सबसे पहले आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जयंती है। मैं बड़े मन से उनको प्रणाम करकर श्रद्धा सुमन देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दिनकर जी की कविताओं ने न केवल आजादी के आंदोलन को धार दी, उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरण देवी मंदिर की मां पूरण देवी को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कबीरपंथी धर्मगुरु जो अभी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, सदगुरु धर्मस्वरूप जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ये भूमि बड़े बड़े लोगों का जन्मस्थली रहा है। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की यह जन्मभूमि रही। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री को भी इसी पूर्णिया जिले ने दिया। हिंदी के प्रकांड विद्वान अनूपलाल मंडल, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक और राजनेता सतीनाथ भादुड़ी, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, साहित्यकार जनार्दन प्रसाद द्विज, अनेक लोगों ने इस भूमि में कई क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दिया है। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है। लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के चार जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। मित्रों, मैं विशेष करकर इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। और इस उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगी। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेद देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए
नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए, आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके साथ उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों, मैं आज इस विराट सभा से लालू जी और नीतीश जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो दल बदल कर रहे हो ना बार बार, वो धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ नहीं है, ये धोखा बिहार के जनादेश के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। मुझे बताओ, सीमांत जिले वाले सभी लोग, आपने जो वोट दिए थे वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना? अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क कर दी? आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं, लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू, 5 साल 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं, 14 में भी यही किया था, लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे,
ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं, वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं, वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं, और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ भी आ सकते हैं। उनकी एक ही नीति है, एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अक्षुण रहनी चाहिए। मगर नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी ना आपकी पार्टी आएगी, बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, यहां सीमांत जिलों में जनजातियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है, और जो मोदी जी जनजातियों की योजना भेज रहे हैं वो भी मेरे जनजातीय भाइयों के पास पहुंचती नहीं है। मैं आज जनजाति भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि मोदी जी ने संथाल के गरीब घर में जन्मी हुई द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर के गरीबों का सम्मान करने का काम किया है, देश भर के गरीबों पर। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं? षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है? आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, और एक नए नए नेता बनाए ललन सिंह जी को, भैया ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब क्या करोगे? चारा घोटाले करने वाले तो आपके यहां मंत्री बन गए, क्या पूछोगे उनको, कैसे पकड़ोगे? और मंत्री बनते ही लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं, सीबीआई पर बैन। नीतीश जी, एक जमाना था आपने सीबीआई में पिटीशनें करवाई थी, आज लालू के भय से, सत्ता के मोह से आप फिर से सीबीआई की साथ जाने की जगह सीबीआई के खिलाफ बैठे हो। मित्रों, पूरे बिहार पर जंगल राज का खतरा मंडरा रहा है। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, 24 में एक बार आपका पर्चा बता दीजिए, 24 में एक बार बिहार अपना फैसला सुना दे कि बिहार में अब अगर शासन चलेगा
तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन चलेगा। ये फैसला एक बार 24 में सुना दीजिए, 25 अपने आप सेट चले। मैं बिहार के युवाओं को भी कहना चाहूं, ये लालू नीतीश की जोड़ी अब एक्सपोज हो चुकी है, वो बिहार को आगे नहीं ले जा सकती। अब बिहार को आगे ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मित्रों, ये बिहार, पड़ोस का झारखंड, ये दोनों राज्य वामपंथी उग्रवाद के अड्डे हुआ करते थे। ये 3 साल में ही मोदी जी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद से बिहार को मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चक्रबांधा और भीम बांधा के जंगलों को पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी गरीबों का सशक्तिकरण करना चाहते। मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे साथ दोहराइए, मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। आप मुझे बताइए, मोदी सरकार किसकी सरकार है? जोर से बोलिए, मोदी सरकार किसकी सरकार है? 50% से ज्यादा आबादी बिहार की गरीब आबादी है। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। बिहार के घरों में 100% बिजली पहुंचाने का काम किया। मेरी माताएं बहनें बैठी है, लाखों की संख्या में गैस के सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 5 लाख तक बिहार की 50% आबादी को स्वास्थ्य का पूरा खर्चा माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। जोर से ताली बजाना मेरी ये बात के बाद, 2 साल तक कोरोना के टीके लेने के बाद 2 साल तक हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर एक के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया। आपका फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आता है, अब लालू के बिचौलिए आपका हक नहीं ले सकते। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बिहार के विकास के लिए मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बनाया है। महेश कुंड, सहरसा, पूर्णिया, 1000 करोड़ से नेशनल हाईवे 107 का दोहरीकरण करने का काम किया। पूर्णिया खगड़िया रोड को 2 लेन बनाने के लिए 650 करोड़ दिए। किशनगंज में 4 लेन बाईपास 250 करोड़ के खर्चे से चालू हो गया है। APJ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहां हो गई है। 1900 करोड़ रुपए की लागत से मनिहारी साहेबगंज के बीच में 6 किलोमीटर लंबा 4 लेन ब्रिज गंगा के ऊपर बनाने का काम का शिलान्यास हो चुका है। 45,000 करोड़ की लागत से गगलिया, अररिया और सुपौल रेलखंड का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू कर दिया है। बिहार के भाइयों बहनों,
सीमांत क्षेत्र के भाइयों बहनों, मोदी जी ने 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए खर्चेंगे। मैं 7 साल के बाद यहां आया हूं। नीतीश बाबू, मुझे मालूम है आप मेरा भाषण सुन रहे होंगे, नुक्स निकालते होंगे, जरा कागज पेन लेकर लिख लीजिए। मैं 1,35,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। महामार्ग निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपया और भी बढ़ गया है। ग्रामीण सड़क के लिए 9,000 करोड़ रुपया कहा था, 22,000 करोड़ खर्चा है। रेलवे के लिए 2.7 हजार करोड़ कहा था, 56,000 करोड़ खर्च किया है। हवाई अड्डे के लिए 600 करोड़ कहा था, 1,280 करोड़ रुपया खर्च किया है। पर्यटन के लिए 1,550 करोड़ कहा था, 1,600 करोड़ खर्च करा है। पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़ कहा था, 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा पेट्रोलियम गैस के लिए किया। बिजली के लिए 16,000 करोड़ कहा था, उसमें से 14,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। किसान कल्याण के लिए 3,000 करोड़ कहा था, 7,800 करोड़ रुपया खर्च किया है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और डिजिटल बिहार के लिए भी 3,000 करोड़ कहा था, उसके सामने 4,100 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब नीतीश बाबू, आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। लालू के साथ बैठकर कुर्सी बचाने के अलावे कुछ नहीं किया। नीतीश बाबू, भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। गठबंधनों से, स्वार्थ से, सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा को समर्पित रहने के से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। भाइयों बहनों, आप सब सीमांचल के 4 जिलों से आए हैं, मुझे बताइए धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। अब मैं नीतीश जी को कहता हूं, वो और लालू जी एक बार बोल दे कि धारा 370 हटाई, मोदी जी ने अच्छा किया। जरा एक बार तनिक बोल दो। आप सब तो हाँ बोलते हो ना भाई, जरा जोर से बोलो, हाँ बोलते हो ना? अरे आपकी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को सालों से भारत माता के सर पर लगा हुआ कलंक अपने डस्टर से पोंछ दिया। धारा 370 को उखाड़कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ दिया। आतंकवाद और नक्सलवाद पर मोदी जी ने जिस मुस्तैदी से और जिस कठोरता के साथ कदम उठाए हैं, लालू जी इसको विभाजन की राजनीति कहते हैं। लालू जी, आपके समय में बिहार में क्या हो रहा था वो सबको मालूम है। मालूम है ना भाई, सीमांत क्षेत्र के लोगों मालूम है ना, माताओं बहनों को मालूम है ना। दिन दहाड़े अपहरण होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, हत्याकांड होते थे और लालू जी लठ रैली निकालते थे। अब गांधी मैदान में लालू जी और नीतीश जी दोनों लठ रैली निकालेंगे और नीतीश जी अपने कंधे पर लालू जी को लेकर निकलेंगे। कैसा दृश्य होगा भाई बताओ? माताओं, भाइयों, बहनों, इस स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर हमने विकास की राजनीति की ओर जाना है। बिहार के युवा में मेगा है, बिहार के युवा में बुद्धि है, बिहार के युवा में मेहनत करने का जोश, मेहनत का स्वभाव है, मगर बिहार विकसित नहीं हुआ। आज जहां जहां
मोदी जी की पूर्ण सरकारें हैं, वहां देख कर आइए कि इस प्रकार का विकास हुआ है। मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, आपने भाजपा को हमेशा वोट दिया मगर लंगड़ी सरकार बनाई, एक बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। मित्रों, मुझे बताइए माताओं भाइयों बहनों, ये नीतीश लालू के गठबंधन को आप स्वीकार करते हो क्या? जरा जोर से बोले, पूरा बिहार देख रहा है आपको, स्वीकार करते हो क्या? अरे कैमरे वाला भी मेरे पर से हटकर पीछे जरा देखे, मैं फिर से पूछता हूं, स्वीकार करते हो क्या? जंगल राज चाहते हो? और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीमांत क्षेत्र की माताओं बहनों का, भाइयों का और युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।